हरनाथ सिंह देवनाथ इंटर कॉलेज कुरावली मैनपुरी। देखिए आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी ट्रिक्स लेके आया हूँ जिससे कि आपको न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस करने में सहायता हो। कभी कभी आप देखिए जब भी कोई न्यूमेरिकल्स करते हैं फिजिक्स में चाहे केमिस्ट्री में कुछ भी एक न्यूमेरिकल्स करते हैं तो एक तो पहली बात तो आपका सूत्र सही होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से उसमें सूत्र सही का उपयोग होना चाहिए। जब सूत्र आपने सही लगा दिया तो उसमें सभी मान एक ही पद्धति में रखे जाने चाहिए। आपने एक पद्धति में सब मान रख दिए फिर आप आती है गुणा भाग। तो अक्सर क्या होते हैं बच्चे कैलकुलेटर लेके बैठ जाते हैं लेकिन परीक्षा में तो कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो फिर होती क्या गलती है उनसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है और कैलकुलेशन मिस्टेक होने के बाद अंत में हमारा जो प्रश्न है वो गलत हो जाता है। तो देखिए मैं आज कुछ आपको ट्रिक्स बताता हूँ जिससे कि आप कैलकुलेशन को बहुत इजी बना सकते हैं और आप अपने दोस्तों को भी ये ट्रिक्स बता सकते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं आपको वर्ग करने का नियम। देखिए इसमें खास कुछ खास तरह की संख्याओं का वर्ग करने के लिए बताएंगे। पहला नियम है वर्ग करने का नियम, वर्ग बनाने का नियम। देखिए मैं आपसे पूछूं इसका वर्ग कितना है तो आप गुणा करके बता देंगे, कहेंगे सर इसका वर्ग होगा 1 2 1। ठीक है अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं इसका वर्ग कितना है तो आप क्या करेंगे गुणा भाग लेके कॉपी लेके बैठ जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं इसमें कितने एक आए, 3 बार आए तो आप 3 तक गिनती लिख लीजिए। ठीक और फिर आप उल्टे क्रम में लिख दीजिए। हो गया पर कुछ समझ में आया? अब देखिए इसी तरह से इसका वर्ग कितना होगा, इसमें कितने एक आए, 4 बार आए एक आए तो 1 2 3 4 क्योंकि 4 बार एक आए। अगर 5 बार आते तो 5 बार लिख लेते, 4 बार आए फिर आप उल्टे क्रम में लिख दीजिए 2 1। तो चलो देख लेते हैं कि ये सही है कि नहीं है, आप देख लो टेस्ट करके इसका गुणा करके देख लीजिए। तो ये 1 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
चार तीन दो एक, यही देखो उत्तर। तो इस तरह से आप कितना भी एक के अंक दिए हों, जैसे 1 2 3 4 5 6, इसका हमें वर्ग निकालना है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 6 5 4 3 2 1। तो ये मैं समझता हूँ इस टाइप के वर्ग करने में अब आपको दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा आपको हम वर्ग करना बताते हैं, जैसे 5 का वर्ग कितना होता है, 5 का वर्ग आप कह देते हैं सर 25 होता है, खूब जानते हैं। 15 का वर्ग कितना होता है, 15 का वर्ग के साथ 225 होता है, ठीक 225। अब 25 का वर्ग हमने आपसे पूछा तब भी आप बता देंगे 625 होता है, लेकिन मैं अब आगे की वर्ग पूछना चाह रहा हूँ। मैं क्या पूछ रहा हूँ भाई, 35 का वर्ग कितना होता है, अब आप चुप हो जाएंगे, कॉपी पेन लेके बैठ जाएंगे। तो इसका बड़ा सरल है, सबसे पहले आप 25 लिख दीजिए, 25 आँख मूंद के 25 लिख दीजिए। अब गिनतियों में 3 से आगे वाली संख्या कितनी आती है, 4, 4 और 3 का गुणा लिख दीजिए, यहाँ पे 12 हो जाएगा। ऐसे आप 45 के वर्ग कितना होगा, सबसे पहले आप 25 लिख दीजिए। अब फिर देखिए ये 4 से आगे वाली गिनतियों में संख्या कौन सी आती है, 5, तो 4 और 5 का गुणा कितना हो गया 20। ऐसे ही इसका वर्ग कर दीजिए, 25 लिख दीजिए, और 5 से आगे वाली जो संख्या कितनी आती है 6, 6 और 5 का गुणा 30 लिख दीजिए, तो यहाँ पे 30 लिख दीजिए। अब मैं आपसे 95 का वर्ग पूछना चाहता हूँ, तो आप कहेंगे सर ये 25 होगा, अब 9 से आगे वाली संख्या कितनी होती है 10, 10 और 9 का गुणा कितना हो गया 90। तो इस तरह से जिन संख्याओं के अंत में 5 आते हैं उनका वर्ग हम इस तरह से करते हैं। तो हमने आपको वर्ग करने के 2 नियम बताए, एक तो ये वाला नियम बताया, एक ये वाला नियम बताया, तो आप औरों की तुलना में इसको वर्ग को आप आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, कभी जब संख्या दी हुई होती है तो हमें ये पता लगाना होता है कि ये संख्या 2 से कट जाएगी या नहीं कटेगी, 3 से कट जाएगी या नहीं कटेगी, ठीक है। तो हम
कैसे पता लगाएं? देखिए, सबसे पहले दो से भाज्य संख्या है। पहले हमें यह देखना है कि कोई संख्या सरल है, आप सभी लोग जानते हैं। पहली बात आती है दो से भाज्य संख्या। देखिए, दो से वो संख्याएं भाज्य होती हैं जिनके अंत में या तो शून्य हो या सम संख्या हो। जैसे ये मैंने लिखा आपके सामने 4, 3, 2, 5, 1, तो ये संख्या नहीं कटेगी, क्योंकि सबसे अंक ये संख्या नहीं कटेगी। क्यों नहीं कटेगी? नहीं भाज्य होगी या नहीं कटेगी, क्यों नहीं? क्यों? अंत में विषम संख्या है। अगर ये होता 4, 3, 2, 1, 0 होता तो ये भाज्य होगी, दो से भाज्य होगी। अगर हमने ये भाज्य नहीं होगी, क्यों भाज्य नहीं है? कि लास्ट में 3 है, भाज्य नहीं होगी, नहीं होगी। अब इसी तरह से हम और आपको बताते हैं, 4 से भाज्य संख्या है। दूसरा हमारा नियम है 4 से भाज्य संख्या है। चार से कौन सी संख्याएं भाज्य होती हैं? जिनके अंत में या तो दो शून्य हो या आखिरी दो अंकों की संख्या 4 से भाज्य हो। जैसे मैंने एक संख्या लिखी 4, ये भाज्य है क्योंकि अंत में दो शून्य है, 4 से भाज्य। एक बहुत बड़ी संख्या लिख लेते हैं, ये 4 से भाज्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये आखिरी दो अंकों की संख्या 4 से भाज्य है नहीं है, तो ये 4 से भाज्य नहीं होगी, से भाज्य नहीं है। इसी तरह से हम और ले लेते हैं, ये देखिए, अंत में 4 अंकों की संख्या है, वो अंक में 2 अंकों की संख्या है, वो 4 से भाज्य है, तो ये 4 से भाज्य होगी। तो देखिए, आपने बहुत अच्छी तरह समझ लिया कि 4 के लिए हम क्या करते हैं, आखिरी दो अंक देखते हैं, और 2 के लिए हम क्या करते हैं, आखिरी एक अंक देखते हैं। अब आता है 8 से भाज्य संख्या है, 8 से भाज्य संख्या। अब आप कहेंगे, सर आपने 8 क्यों लिया, बीच के क्यों अंक सोल रहे? इनमें एक क्रम चल रहा है। देखिए, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को हम लिखते हैं खाली, 2 को हम लिखते हैं 2 बराबर 2 पे घात 1। 4 को हम क्या लिखते हैं, 2 पे घात 2। इसी से 8 को हम क्या लिखते हैं, 2 पे घात 3। देखिए, 2 के लिए हम केवल एक अंक देखते हैं, 4 के लिए हम केवल 2 अंक देखते हैं, 8 के लिए हम 3 अंक देखते हैं। सीधी सी बात है, अगर किसी संख्या के अंत में या तो 3 शून्य या जो भी संख्या है आखिरी 3 अंकों की, वो 8 से भाज्य है, तो वो संख्या 8 से कट जाएगी, 8 से भाज्य होगी। जैसे मैं आपको एक उदाहरण लेके बता रहा हूँ, जैसे ये मैंने संख्या लिखी 8, 3, 1, 0, 0, 0, 8 से भाज्य होगी, से भाज्य होगी। और अगर मैं ये लिखूँ 8, 5, 2, 3, 0, ये जब 8 से भाज्य नहीं है, तो ये 8 से भाज्य नहीं है, भाज्य नहीं है, नहीं है। तो देखिए, इसमें हमने आपको ये बता दिया कि 8 से भाज्य है, 8 से भाज्य नहीं है। इसी तरह से अगर हम 16 से काटने का नियम देखना चाहें, तो 16 को हम लिख सकते हैं, 16 को 2 पे घात 4, आखिर में 4 शून्य हो या आखिर के 4 अंकों की संख्या 16 से भाज्य, तो वो संख्या कट जाएगी। इसी तरह से हम 32 का लिखना चाहें, तो 32 में क्या होगा, 2 पे घात 5, या तो
संख्या के अंत में 5 शून्यों या आखिरी 5 अंकों की संख्या 2 से 32 से भाज जो, तो वो संख्या 32 से कट जाएगी। चलिए अब आते हैं 3 से भाज्य संख्या। तीन से भाज्य संख्या, इनको हम देखो कैसे निकालेंगे। तीन से भाज्य संख्या देखिए बड़ा सरल है, 3 से 9 से 81 से 27 से 81 से, इनके लिए सबके नियम एक जैसे हैं। यदि संख्या के अंकों का योग 3 से भाज्य हो तो वो संख्या 3 से भाज्य होगी। जैसे मैंने कोई संख्या लिखी 4, 3, 2, 1, अंकों का योग कितना हुआ, का योग 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, 4 धन 3 धन 2 धन 1, 4 और 3 7 और 2 और 1 9 और 1 10, 10 3 से भाज्य नहीं है तो ये संख्या भाज्य नहीं होगी। ये संख्या 4 3 2 भाज्य नहीं होगी, 2 1 तीन से भाज्य नहीं है, भाज्य नहीं है। इसी तरह से अब आप देखिए, अगर हम इसमें 4 3 2 1 दो को हम इधर जोड़ दें या दो को इधर जोड़ दें, हमने यहां पर जोड़ दिया, अब ये भाज्य होगी। अंकों का योग कितना हो गया, 12 हो गया योग, ये 12 हो गया। और 12 किससे, 3 से भाज्य हैं तो ये संख्या 3 से भाज्य होगी, 2 4 3 2 1, 3 से भाज्य होगी। भाग चला जाएगा, अगर हम ये बाद में हम करते थे 4 3 2 1 2, ये भी भाज्य होगी। दो को हम बीच में कर देते 4 2 3 2 1, ये भी भाज्य होगी। कहने का मतलब यह है कि यदि संख्या के अंकों का योग, यदि संख्या के अंकों का योग कितने के बराबर हो, अंकों का योग 3 से कटता हो तो वो संख्या 3 से कट जाएगी। ठीक उसी तरह से हम 9 के लिए देखेंगे, अगर अंकों का योग 9 से कट जाता है, भाग चला जाता है, तो वो संख्या 9 से भी कट जाएगी। इसी तरह से अगर किसी संख्या के अंकों का योग 27 बैठता है तो वो संख्या 27 से भी कट जाएगी। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 81 से कट जाता है तो वो संख्या 81 से भी कट जाएगी। तो इस तरह से हमने ये चीज़ आपके सामने निकाल के रखा। अब हम आपको बड़ी अच्छी चीज़ बता रहे हैं, आपने कभी भी ज़िंदगी में अभी तक शायद 99 का पहला नहीं लिखा होगा। चलिए हम आज आपको, हंसने वाली बात नहीं है, चलिए हम आज आपको 99 का पहला कैसे लिखा जाता है हम बताते हैं। तो सबसे पहले हम आपको, आप और लोगों को भी बताएं, सबसे पहले हम आपको 9 का पहला लिखना बताते हैं। ऐसे मैं नहीं बता रहा 9 1 9 9 2 18, ऐसे नहीं, मेरा लिखने का ढंग अलग है। आप गिनती लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए कोई गिनती छूटी तो नहीं, यही इतने अंक होते हैं, इसी वजह से इसको हम कहते हैं दशमलव प्रणाली, इसमें 10 अंक आ गए। अब उल्टा लिख लीजिए, ये क्या आ गया, आपको कुछ दिख रहा है, यह है 9 का पारा। एक बार गिनती इधर से लिख ली, एक बार उल्टी को उधर से लिख लिया, समझ में आ गया 9 का पौड़ा। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं 19, तो सबसे पहले एक अंक आएगा, इसमें आप एक और जोड़ दो, अर्थात दो के अंतर से गिनतियां लिख लो, एक आप अपनी तरफ से जोड़ दो, तो 1 और 2 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11 और 2 13 और 2
पंद्रह और दो 17 और दो 19, ये ध्यान रहे, जिसका हम पारा लिख रहे हैं वो लास्ट में आ जाना चाहिए। फिर वही कहानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये किसका पारा हो गया, ये पारा हो गया 19 का। अब आप कहोगे सर हमें 59 का पारा लिखना है, 59 का, 59 में 5 आएगा, 5 में 1 जोड़ दो 6, 6 के अंतर से गिनतियाँ लिख दो, 5, 6, 11, 6, 17, 6, 23, 6, 29, 6, 29, 6, 35, 6, 41, 6, 47, 6, 53, 6, 59, 6, 53, 6, 59। ये ध्यान रहे जिसका भी हम पहाड़ा लिख रहे हैं उसका वही अंक आ जाना चाहिए। फिर वही कहानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हमारा 59 का पारा हो गया। इसी तरह से आप, हमने बताया 29 का लिख सकते हैं आप, 39 का लिख सकते हैं, 49 का लिख सकते हैं, 59 का मैंने बता ही दिया, इसका लिख सकते हैं, 89 का लिख सकते हैं, 79 का लिख सकते हैं, 99 का लिख सकते हैं। अब देखिए मैं 99 का पारा लिखना बता रहा हूँ, बड़ी अच्छी ट्रिक है ये। देखिए 99 का पारा आपने आज तक नहीं लिखा होगा, इसमें सबसे पहले 9 लिखेंगे, 9 का अंक लिखेंगे, 99 9 आएगा, उसमें एक और जोड़ दीजिए तो 10 हो जाएंगे, 10 के अंतर से आप गिनतियाँ लिख दीजिए, 19, 29, 49, 59, 79, 89 और 99, और फिर वही 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देखिए आपने 99 का पारा भी लिख दिया। तो ये हमने कुछ आपको ट्रिक्स बताई जिनकी वजह से आप पारा लिख सकते हैं। अब मैं आपको एक कुछ ट्रिक्स और एक बताता हूँ पारा लिखने की, जैसे आप 11 है, 21 है, इनके आप पहाड़ कैसे लिखेंगे। देखिए ये हमारी इस वीडियो लेक्चर में लास्ट ट्रिक है, इसको और देख लीजिए कैसे लिखेंगे। देखिए जैसे आपने 11 का पहाड़ा लिखा, 11 का पहाड़ा लिखना चाहते हैं तो आप क्या करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लिख दिए, और फिर लिख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और हाँ से लाएगी 1, 110, ये हो गया 11 का पारा। अब आपको लिखना है 21 का, तो पहले 2 का पारा लिख लो, तो 2 2 2, 2 2 4, 3 6, 2 4, 2 9 10, 2 12 और 14, 16, 19 और 20। अब आप क्या करें वही गिनती 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और हाँ से लाएगी 1। इस तरह से आप 21 का पारा लिख सकते हैं। इसी तरह से आप चाहें तो 31 का भी लिख लीजिए। 31 में पहले सबसे पहले 3 का पारा लिखो, 3 2 6, 3 4 12, 3 5 15, 3 6, 3 3 9, 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27 और 30। फिर वही कहानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हाँ से लगे 1। अब ऐसे ही आप 41 का लिख लीजिए, 42 का लिख लीजिए, वो 51 का लिख लीजिए, 61 का लिख लीजिए, 71 का लिख लीजिए, 81 का लिख लीजिए और 91 का लाओ मैं बता देता हूँ। 91 का पारा क्या लिखेंगे, पहले आप 9 का पारा, 9 1 9 2 18 27 36 45 54 63 72 81 और 90। फिर वही 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हाँ से लगे 1 इस तरह से। तो चलिए देखिए आज हमने आपको कुछ पहाड़े लिखने की, कुछ संख्याओं के पहाड़े लिखने की ट्रिक्स बताई।
और मैं समझता हूँ कि ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और इन चीज़ों का आप न्यूमेरिकल्स करने में प्रयोग करिए अपने, और जो भी परिचित हैं उनको ये ट्रिक्स बताइए। जब आप दूसरे लोगों को ये ट्रिक्स बताएंगे तो निश्चित ही वो लोग भी फ़ायदा उठाएंगे, आप लोग भी फ़ायदा उठाइए, और कैलकुलेशन करने में, गुणा भाग करने में इन चीज़ों का उपयोग करिए। धन्यवाद।